वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कुणाल गगन, यू आर वाचिंग टेक विद कुणाल। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम कनेक्शन टू डेटाबेस। प्रीवियस ट्यूटोरियल में सर्विसेज सीखा, कंट्रोलर सीखा, सर्विसेज बेसिकली। मैं फिर एक छोटा सा रिवीजन करवा देता हूँ। सर्विसेज बेसिकली क्या कर रही है कि अपने लिए पूरा का पूरा बिजनेस लॉजिक संभाल रही है। अगर आपका कुछ काम ही ऐसा कि डायरेक्ट आपको सिर्फ क्वेरी करनी है, तो हम एक आज नई चीज सीखेंगे, मॉडल डेटाबेसिस के बारे में। क्वेरीज लिखेंगे वहाँ पे, आप उन क्वेरीज को डायरेक्टली खोल सकते हो या फिर आप सर्विसेज के बाद डेटा छोड़ सकते हो, तो सर्विसेज आपके लिए काम करके दे देंगे। ठीक है, दो वेज है, दोनों वेज का डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट वे है कि जब बिजनेस लॉजिक पूरा कम्प्लेक्स लॉजिक और सर्विस को दे दे, सर्विस हमारे लिए काम करके दे। सेकंड थिंग है, अगर आपकी डायरेक्ट क्वेरी है, लाइक अगर आपकी क्वेरी ऐसी ही क्वेरी है जैसे गेट ऑल नोट्स फ्रॉम द डेटाबेस, सिंपल क्वेरी है, सिंपल एंड पॉइंट है गेट, ठीक है, और वो उसमें ऑल पोस्ट चाहिए या ऑल नोट्स चाहिए, तो आप सीधा कंट्रोलर से मॉडल की उस क्वेरी को कॉल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मॉडल में मैं ये नहीं कहूंगा कंट्रोलर में डीबी इंस्टेंस रखें, उस सिंगल टन वाले डीबी इंस्टेंस को कॉल करके डीबी डॉट गेट करें। नहीं, आई वुड से कि आप फिर भी मॉडल में क्वेरीज बनाएं, उस क्वेरीज को डेटाबेस के साथ रखें, डेटाबेस को कॉल करें। ठीक है, तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, थिंक ऑफ कीजिए। ये यूजर मशीन है, ये मेरा सर्वर है। सर्वर के अंदर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। लेट्स सी, द फर्स्ट कंट्रोलर्स, देन सर्विसेज, एंड देन अपने पास आएगा मॉडल्स और डेटाबेस लेयर बोल सकते हैं जिसे। अब समझिए, सर्विसेज ज्यादा थिंग जो हमारे डेटाबेस से इंटरेक्ट करती है, ठीक है, बट अगर आप चाहो कंट्रोलर्स डेटाबेस से इंटरेक्ट करें, सीधा सीधा नहीं करेंगे, वो सर्विसेज के थ्रू जाएंगे। अगर बिजनेस लॉजिक कम्प्लेक्स है, अगर सिंपल लॉजिक है, तो उसके लिए करेंगे हम सिर्फ भी डेटाबेस को नहीं डायरेक्टली इंस्टेंस करेंगे, डायरेक्टली असेस नहीं करेंगे, हम लोग मॉडल्स की सहायता लेंगे। मॉडल्स बेसिकली द टेबल स्कीमा जो होते हैं उनकी मदद लेंगे। तो हम गो आर एम को बोलेंगे कि ये मॉडल, जैसे हमने चलते चलते फंक्शन लिखेंगे गेट का, वो मॉडल में पड़ा होगा, उस फंक्शन को कॉल करवाएंगे, तो वो काइंड ऑफ सर्विस ही ट्रीट होगा अगर आप एक्चुअल में देखेंगे। बट हम डेटाबेस डायरेक्टली रीड राइट करने नहीं करेंगे, क्योंकि हम हमारा कंट्रोलर में ही डीबी डॉट हम करके ऐसा कुछ करेंगे, हम फिर भी सर्विसेज के ऊपर लाइक करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। लेट्स सी, तो लास्ट वाले मैंने जो अपना याद होगा सर्विसेज वाले में, उसमें मैंने आपको छोटा सा टास्क दिया था कि आपको इस फंक्शन को कॉल करवाना है और इसको आपको यूज करवाना है। तो मैंने बस बता दिया उसका सोल्यूशन, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया था, हमने बस यहाँ पे नेट नोट सर्विस और गेट नोट सर्विस को कॉल कर दिया। ठीक है, इतना ही काम है और कोई काम नहीं है इसमें, बहुत आसान सा काम है। ठीक है, तो आज हम जो डेटाबेस की बात कर रहे हैं, उसके लिए मैंने एक काम किया कि मैंने एक डॉकर कंपोज फाइल बनाई है। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपने पास लोकल से ही डॉकर को असेस करवा रहा हूँ। ठीक है, डॉकर से पोस्ट गैस की सर्विस, तो मैं एक्सटर्नल एक पोस्ट गैस का इंस्टांस बना रहा हूँ, लोकली चला रहा हूँ, उसमें पोस्ट गैस है, सारी स्कीम ये चाहिए है, रिस्टार्ट ऑलवेज होगा, इस पोर्ट की बाइंडिंग है। हम डॉकर नहीं सीख रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स दे रखे हैं हमने, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट आई थिंक की जो लास्ट वाली मेन बात चीज़ है कि आपको जो समझने पड़ेगा, आप कोई भी डेटाबेस यूज कर सकते हो, सीक्वल, पोस्ट गैस, सीक्वलाइट, एनी डेटाबेस, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन रेफर करता हूँ, उसको समझते हैं। ठीक है, तो डॉकर का लिए डेटाबेस तैयार है। जो मेन काम गो वर्म का, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अगर आप गो वर्म की वेबसाइट पे जाएंगे, डॉक्स में उनके पास मेंशन है फुल फीचर ओवर, हम जिस सब पढ़ सकते हैं, एनी मेनी प्रीलोड, ईगर लोडिंग, प्रीलोड ज्वाइंस पढ़े, सब कुछ पढ़े, ऑटोमाइग्रेशन पढ़े, लॉगर पढ़े हैं, प्रोमिथियस वगैरह पढ़े, मल्टीपल डेटाबेस रीडेटिंग स्प्लिटिंग, डेवलपर फ्रेंडली। ठीक है, तो अगर आप गो वर्म इंस्टॉल करने, तो आपको ये कमांड रन करनी है अपने टर्मिनल, ये करनी करनी पड़ेगी गो वर्म के लिए। सेकेंड थिंग, ड्राइवर, बेसिकली द गो आर एम यूज करता है ड्राइवर जिससे डेटाबेस को कनेक्ट करता है, जैसे पोस्ट गैस के लिए अलग ड्राइवर है, सीक्वलाइट के लिए ड्राइवर मैंशन है। ठीक है, अगर आपके पास पोस्ट गैस होगा या सीक्वल होगा, उसके लिए अलग से ड्राइवर मैंशन है। उसके लिए थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना, एग्जाम्पल भी दे रखें कि आपको कैसे कोड करना है, आपको ओपन लिखना है, कन्फिग पास करनी है, कन्फिग पास करनी है आपको, कन्फिग में सब कुछ मैंशन करना होगा, कितना आसान है वो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ उन्होंने, फास्ट फाइंड मॉडल वगैरह वगैरह। ठीक है, अपन लोग पोस्ट गैस यूज कर रहे हैं, तो अपन लोग जाते हैं इसमें कनेक्टेड टू डेटाबेस में। अब यहाँ पे माई सीक्वल के लिए भी दे रखा उन्होंने, हमें चाहिए होगा माई सीक्वल के लिए ये वाला, तो हमें क्या करना है, वो गो गेट इंस्टॉल ड्राइवर स्लैश माई सीक्वल सीक्वलेट की जगह पे, बट हम यूज कर रहे हैं पोस्ट गैस। ठीक है, तो पोस्ट गैस सीक्वल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गो आरम तो चाहिए चाहिए। ठीक है, आपको कर लेना गो डॉट आरम स्लैश ड्राइवर स्लैश पोस्ट गैस। ठीक है, तो ये वाली कमांड आपको रन कर देनी है, ये वाली, और गो आरम मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने डाल रखा है। तो हम वापस से अगर आपको मैं दिखाऊं कि आपके स्टेप्स क्या होंगे फाइनल, अगर आप मुझे बिल्कुल डिट्टो फॉलो कर रहे हैं, इसको भी कॉपी कर लेते हैं और ये भी रन करना होगा हमें, एक ये हो गया और ये भी हो गया बस। ठीक है, तो एक नया इंस्टेंस यहाँ पे खोल के वहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉकर कंपोज। अब तो ये चल गया डेटाबेस सिस्टम इज रेडी टू एक्सेप्ट कनेक्शंस और ये गो गेट। ठीक है, अब डेटाबेस सीखने के लिए यार मैं
अलग से टूल्स भी यूज़ कर सकता था बेसिकली, जो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं ठीक है वो भी यूज़ कर सकता था, बट मेरे एक एक्सटेंशन डाल रखी है, आप भी डाल सकते हो DB के नाम से ठीक है, एक्सटेंशन डेटाबेस इक्वल मिल जाएगी आपको यहाँ से एक्सटेंशन से जाके, इसमें ऑलरेडी सब कुछ है ठीक है। तो जैसे मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, तो यहाँ पे कोई टेबल नहीं है, इसमें एक डेटाबेस कनेक्ट कर लिया पोस्टगेस, तो मेरा डेटाबेस जो मेरी सारी डिटेल्स है वो आपने यहाँ पे देखी होंगी, तो मेरे यूज़र बनाया है, पासवर्ड बनाया, डेटाबेस में DB बनाया, उसका नाम है पोस्टगेस। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास पोस्टगेस जो नाम का डेटाबेस कनेक्टेड है ठीक है, तो हमारे पास सब कुछ कनेक्टेड है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं बिना वक्त खराब किए, जो मेन काम था, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, आप सीक्वल अगर आपको ये सर्विस यूज़ करनी है आप पोस्टगेस की नेट से बता सकते हैं, ये भी देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सेम डालिए, डॉकर होना चाहिए आपके पास, ऑटोमेटिकली सर्वर चल जाएगा, 5440 पे चलेगा, आपके पास लोकलस 5440 पे एक्सेस मिलेगा, इंटरनल सर्विसेज के लिए 5432 होता है। ओके ऑलराइट, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं बनाऊंगा यहाँ पे एक इंटरनल ठीक है डेटाबेस स्लैश मेन डॉट गो, बढ़िया बन गया अपना। अब इंटरनल में एक और फोल्डर बना लीजिए मॉडल्स करके, या मॉडल ठीक है। अब मेन डॉट गो में जाइए और यहाँ पे हमें जो चीज़ें हमने लिखी हैं वो, तो सबसे पहले होता है पैकेज, पैकेज मेन रखना होता है, नहीं पैकेज मैं इसको रखूँगा इंटरनली, ऑप्स इंटरनल ठीक है। उसके बाद मेन फंक्शन जिससे हम इनिशियलाइज करवाएंगे कि भाई हमारा ये चीज़ होनी चाहिए, तो मैं लिखूंगा नेट, सॉरी नेट DB ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं लेगा हमसे इनपुट में, नहीं लेगा तो नहीं लेगा पता है हमें, रिटर्न टाइप क्या होगी इसकी, रिटर्न टाइप होगी इसकी GORM.DB ओके, या फिर साथ में हमें एरर भी दे सकता है ये, पर मैं बोलूंगा कि एरर को छोड़ देते हैं हम अंदर, एरर हम इसके साथ अंदर से हैंडल करेंगे ठीक है। तो रिटर्न हमें डेटाबेस का इंस्टेंस कर देगा, कुछ नहीं चाहिए हमें, और फंक्शन हो गया हमारा, फंक्शन हो गया, नेट हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, वेबसाइट पे जाएंगे ना, कनेक्टेड टू डेटाबेस पोस्ट सिक्वल में, यहाँ पे बहुत इन्होंने सिंपल सा काम कर रखा है, ये यही चीज, ये वाली चीज कॉपी कर लो इसको, यहाँ पे मेंशन कर दो, होस्ट लोकल होस्ट होगा, यूजर नेम गोवरम नहीं है, पासवर्ड गोवरम नहीं है, मेरा पासवर्ड वगैरह ही है, पोर्ट मेरा क्या है 5440 ठीक है। इस पर क्लिक करो, इंपोर्ट के लिए बोल रहा हूँ, खुद ही कर लेते हैं चलो, गोरम स्लैश करके डॉट आईओ स्लैश गोरम, हमें सेम चाहिए एक और चीज़ जो चाहिए हम, गोरम हमने लिखा था डॉट आईओ स्लैश ड्राइवर स्लैश पोस्टगेस ओके, ऑल राइट है, सब कुछ इन हैंड अपने पास। अब देखो इफ एरर नॉट इक्वल्स टू निल FMT डॉट प्रिंट नेबल टू कनेक्ट टू द डेटाबेस, रिटर्न कर दो। रिटर्न में दो चीजें, अब यहाँ पे क्या होगा, नील होगा, इसका कुछ है ही नहीं जब डेटाबेस इंस्टेंस ही नहीं है, नहीं तो रिटर्न सीधा DB कर दो। ये रहा अपना इतना सा फंक्शन जो काम करके देगा अपने को सारा। अब ऊपर FMT भी लिख देना यार, देखो इतना सा फंक्शन हमारा सारा काम कर देगा, क्या कर देगा काम अपने पास, ये हमारा डेटाबेस का इंस्टेंस एक क्रिएट कर देगा। मेन डॉट गो में जाओ, यहाँ पे लिखो हमारा गो ट्यूटोरियल है, गो ट्यूटोरियल जो चल रहा है पैकेज ठीक है, उसको इंपोर्ट करो स्लैश इंटरनल ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा हम वो जो हमने वहां पे कॉल किया था ना वो यहाँ पे कॉल करेंगे, हम DB इक्वल्स टू इस फंक्शन का नाम क्या है इनिट DB, इसको कॉल करवा देंगे स्लैश डेटाबेस तो स्लैश डेटाबेस हो गया अपना, इसमें गो ट्यूटोरियल हो गया, इंटरनल हो गया डेटाबेस, क्या बोल रहा है हमसे, इंपोर्टेड एज इंटरनल एंड नॉट यूज,
हमने पैकेज में, हाँ पैकेज सही मेंशन किया हमने, ऑल राइट है सब कुछ। और ठीक है, बोला डीबी डिक्लेयर नहीं, यूज नहीं किया आपने। ठीक है भाई, अगर डीबी इक्वल इक्वल्स टू नील है तो मतलब वहां से कुछ एरर आया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एरर वाइल कनेक्टिंग टू द डेटा बेस, बस ये है। उस पर लिखो यहाँ पे गो रन मेन डॉट गो, एक नंबर हो गया, पोर्ट कनेक्ट हो चुका है अपना, बढ़िया, कुछ नहीं करना हमें। नेक्स्ट स्टोरी में हमारा बहुत सिंपल काम है, इसमें सिर्फ हमें कनेक्शन करना था। नेक्स्ट स्टोरी में जो हमारे क्रिट के एंड पॉइंट्स है क्रिएशन रिलेशन गेट, उनको हम एक्टिवेट करेंगे और उनमें डेटाबेस को इंपोर्ट करेंगे। तब तक लिए बाय, टेक केयर।